अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देख सकें। बहुत जलेगा, इसलिए ये ज़रा नीचे नीचे करके डालें और डायरेक्ट बीच में शुरू में ना डालें, आप बेशक बीच में डाल दें, मैंने भी डाल दिया है। और अभी हमने दरमियानी आग पे, बल्कि दरमियानी लो, हल्की आग, दरमियानी, ऐसी दरमियानी जो बिल्कुल हल्की हो कि ये डीपली अंदर तक पक जाएं, तो हमने स्लोली स्लोली इसको इसी तरह पकाना है कि ये सारे अच्छे तरीके से तैयार हो जाएँ। ये आप बनाएँगे तो आपको पता चलेगा ये शामी कबाब से भी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएंगे, बहुत अच्छे और टेस्टी बनते हैं। चने की टिक्की भी वैसे इसको कहते हैं, मगर ज़्यादातर चने के कबाब भी कह सकते हैं आप लोग।
स्पेशल रमज़ान में रोज़ा खोलने के टाइम पे शाम को हम लोग पकौड़ों की जगह पे या पकौड़ों के साथ ये चीज़ बनाएं तो बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत